इसलिए गीता के उपदेश को ठीक से समझ लो कि यहाँ कोई अपना पराया नहीं है। जो बुरे वक्त में, तकलीफ के वक्त में तुम्हारा साथ दे, सिर्फ वही हमारा अपना है, बाकी सब पराए हैं। गीता का दूसरा उपदेश ये है कि जो चला गया है उसका कभी दुख मत करो। गीता को हम भगवान से भी बढ़कर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। श्रीमद् भगवद् गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों उपयोगी माना गया है। इसलिए गीता के विचारों को आप हर रोज रात में सोने से पहले जरूर सुने। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वह ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपका जीवन होगा। नीच विचार रखोगे तो नीच बन जाओगे, अच्छे विचार रखोगे तो ऊंचाई पर जाओगे। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे।